तो COVID-19 ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया, और सेफ्टी के मामले में बहुत कुछ सिखा दिया है। और वैसे इस बारे में बात करने वाला हूँ, और ये सेफ्टी के बारे में बात होगी गाड़ियों को लेके, क्योंकि बहुत से लोग जब भी गाड़ी खरीदते हैं तो उसके अंदर फीचर्स देखते हैं, उसकी माइलेज देख, उसका आउटलुक देखते हैं बेसिकली ये है। मगर इस वीडियो में मैं ऐसी टॉप 29 गाड़ी लेके आया हूँ जो ग्लोबल NCAP के अकॉर्डिंग सेफेस्ट गाड़ी है इंडिया में करंटली। ये करंटली की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी आगे पीछे चेंज होती रहती है, ऐसी वो नहीं है कि हाँ भाई ये मैंने बता दी तो ये पत्थर की लकीर होगी, ऐसा नहीं है। ये अभी के अकॉर्डिंग 29 गाड़ी है जो सेफेस्ट गाड़ी है अभी जो अवेलेबल है। तो इनके बारे में बात करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट और सिंपल होने वाला है, क्योंकि 29 गाड़ी कवर करनी है, इसीलिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ ताकि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मेरी लिस्ट पहले नंबर पर है महिंद्रा XUV 300। महिंद्रा XUV 300 को एडल्ट सेफ्टी में 5 स्टार मिले हैं 5 में से, मतलब एडल्ट सेफ्टी काफ़ी अच्छी है इसके अंदर, मगर वहीं चाइल्ड सेफ्टी में इसको 4 स्टार मिले हैं 5 में से। तो इसकी टोटल जो रैंकिंग ग्लोबली NCAP के अकॉर्डिंग जो रैंकिंग देती है, मतलब रेटिंग देती है 49 में से, वो इसकी रेटिंग है 37.4 के अराउंड कहीं है इसकी रेटिंग। तो मेरी लिस्ट पे अगली है टाटा की ऑल्ट्रोज। टाटा ऑल्ट्रोज का भी महिंद्रा XUV 300 की तरह 5 स्टार मिले हैं एडल्ट सेफ्टी में, और चाइल्ड सेफ्टी में इसको 3 स्टार मिले हैं 5 में से, क्योंकि जो कि काफ़ी कम है महिंद्रा XUV 300 से, क्योंकि चाइल्ड सेफ्टी लोग ज़्यादा देते हैं क्योंकि बच्चों के साथ घूम रहे हैं तो भैया उनको थोड़ी सेफ्टी तो चाहिए ना। और वहीं अगर मैं बात करूँ ग्लोबल NCAP इसकी रेटिंग की, जो इन्होंने इसको स्कोर दिए हैं 49 में से, वो दिए हैं 29 दिए हैं 49 में से, मतलब ये XUV से काफ़ी कम ग्रेड में आती है सेफ्टी के मामले में। तो मेरी लिस्ट पर अगली है टाटा की नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन को भी 5 स्टार मिले हैं एडल्ट सेफ्टी में 5 में से, और चाइल्ड सेफ्टी में इसको अल्ट्रोज की तरह ही 3 स्टार मिले हैं, मतलब टाटा नेक्सॉन और टाटा अल्ट्रोज में आपको सेम चाइल्ड सेफ्टी मिलेगी, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा करना पड़ेगा अगर आप लोग ये वाली गाड़ी लेने वाले हो। और इसकी जो रेटिंग है, मतलब जो स्कोर किया है ग्लोबल NCAP की एक स्कोर कार्ड में टाटा नेक्सॉन ने, वो है 25 49 में से। तो मेरी लिस्ट पे अगली है टाटा की ETIOS। टाटा ETIOS को एडल्ट सेफ्टी में 4 स्टार मिले हैं 5 में से, और चाइल्ड सेफ्टी की बात करें टाटा ETIOS की तो ये काफ़ी कम है टाटा नेक्सॉन और ऑल्ट्रोज के मुकाबले, जो कि 2 स्टार हैं टाटा ETIOS के 5 में से। और जो टोटल रैंकिंग है टाटा ETIOS की 49 में से, वो है 20। तो मेरी लिस्ट पे अगली है महिंद्रा की मेराजो। मेराजो को भी एडल्ट सेफ्टी में 4 स्टार मिले हैं 5 में से, और चाइल्ड सेफ्टी में भी इसको ETIOS की तरह ही 2 स्टार मिले हैं, मतलब काफ़ी लो रेटिंग है इनकी चाइल्ड सेफ्टी के लिए। मगर ग्लोबल NCAP की लिस्ट जो स्कोर लिस्ट है उसमें इसको थोड़ी सी ज़्यादा हाइट मिली है सेफ्टी के मामले में, जो कि 22.2, जो कि ETIOS से थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब मेराजो थोड़ी सी सेफ है ETIOS के मुकाबले। तो मेरी लिस्ट पर अगली है Volkswagen की पोलो। पोलो को भी 4 स्टार मिले हैं एडल्ट सेफ्टी में, और चाइल्ड सेफ्टी में इसको 3 स्टार मिले हैं, जो कि मेराजो से ज़्यादा है। और वहीं इसकी स्कोर कार्ड की बात कर लें, मतलब रैंकिंग की बात कर लें ग्लोबल NCAP की, तो इसकी जो रैंकिंग है 49 में से, वो है 29.9, मतलब हम 30 मान के चल सकते हैं। और यहाँ पे पोलो, मेराजो, ETIOS और नेक्सॉन से थोड़ी सी ज़्यादा सेफ है। तो मेरी लिस्ट पर अगली ही मेरी पर्सनल फेवरेट गाड़ी है महिंद्रा की थार, जिसका वेटिंग पीरियड 1 साल का है। तो महिंद्रा थार को एडल्ट सेफ्टी में 4 स्टार मिले हैं, और चाइल्ड सेफ्टी में भी 4 स्टार मिले हैं, मतलब दोनों में सेम रेटिंग है, मतलब सेफ्टी के मामले में महिंद्रा थार ने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और वहीं अगर मैं इसके स्कोर कार्ड की बात कर लूँ, जो ग्लोबल NCAP इसको देता है 49 में से, ये अब तक की गाड़ी में सबसे ज़्यादा है, जो कि है 41.1, वो भी 49 में से, मतलब महिंद्रा थार सबसे 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 ज़्यादा सेफेस्ट गाड़ी है। तो मेरी लिस्ट पे अगली है टाटा के टिगोर और टाटा के टियागो। मैं दोनों गाड़ी एक साथ लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों की रेटिंग सेम है, बिल्कुल डिट्टो है, कॉपी पेस्ट है, एक भी पॉइंट का फर्क नहीं है। टाटा टिगोर और टाटा टियागो को एडल्ट सेफ्टी में 4 स्टार मिले हैं, और चाइल्ड सेफ्टी में दोनों को ही 3 स्टार मिले हैं, मतलब दोनों में सेम है, ऐसा कोई बड़ा फर्क नहीं है। और वही मैं बात कर लूँ इसके स्कोर कार्ड के, मतलब स्कोर रेटिंग की, जो ग्लोबल NCAP देता है 49 में से, वो दोनों की सेम है, मतलब 34.1 है, मतलब दोनों का सेम है, कॉपी कैट है दोनों एक दूसरे की। तो मेरी लिस्ट पे अगली है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रिजा। विटारा ब्रिजा को एडल्ट सेफ्टी में 4 स्टार मिले हैं, और चाइल्ड सेफ्टी में 2 स्टार मिले हैं, जितना इसका नाम है उतने चाइल्ड सेफ्टी में ही नहीं कर पा रहा है। और वहीं अगर मैं इसकी स्कोर कार्ड की बात करूँ 49 में से, तो इसको मिले हैं 17.9, मतलब हम 18 मान के चल सकते हैं। तो मेरी लिस्ट पे अगली है रिनॉल्ट की ट्राइबर। रिनॉल्ट ट्राइबर को एडल्ट सेफ्टी में 4 स्टार मिले हैं, और चाइल्ड सेफ्टी में 3 स्टार मिले हैं, जो कि वेल गुड है, मतलब इस प्राइस रेंज के लिए ठीक है। और वहीं इसकी स्कोर कार्ड की बात कर लें तो इसको 27 पॉइंट मिले हैं 49 में से। बाकी आप लोग एक टेबल देख रहे हो जिसके अंदर सिलेरियो तक की गाड़ी है, मतलब टॉप 29 ऐसी गाड़ियाँ हैं जो सेफेस्ट गाड़ी है, मगर यहाँ पे मारुति सुजुकी सबसे एंड में, इसलिए है मारुति सुजुकी में एडल्ट सेफ्टी जो है वो 0 है 5 में से, मतलब कोई भी स्टार नहीं मिले हैं, सिर्फ चाइल्ड सेफ्टी में इसको 1 स्टार मिला है,
मतलब जो कि सेफ्टी काफ़ी कम है मारुति सिलेरियो के अंदर। वहीं अगर मैं रेनॉल्ट क्विड की बात कर लूँ तो रेनॉल्ट क्विड की उसको एडल्ट सेफ्टी में एक्स्ट्रा मिला है, जो कि सिलेरियो ज़्यादा ही मान के हम चल सकते हैं। बाकी रेडिगो और सेंट्रो वगैरह में इन सबसे थोड़ा ज़्यादा है, मगर एस्प्रेसो हो गई, डैटसन गो हो गई, इन सब में 0-0 रेटिंग है हमारी एडल्ट सेफ्टी में। मगर चाइल्ड सेफ्टी में इनको 2-2 स्टार मिले हैं, मतलब चाइल्ड सेफ्टी के लिए ठीक गाड़ियाँ हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। तो मेरी ये लिस्ट जो टॉप 29 सेफेस्ट गाड़ी इन इंडिया है वो यहाँ पे ख़त्म होती है, और आप लोगों ने ये लिस्ट देख ली है कि कौन सी सबसे टॉप पे है और कौन सी सबसे नीचे है, मतलब 0 रेटिंग है ये मान के चल सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ, मेरी लिस्ट में 5 out of 5 और 5 out of 0 वाली गाड़ी भी है, मतलब ऐसी गाड़ी भी जो सबसे टॉप पे है और ऐसी गाड़ी जो सबसे लो पे है, मतलब सबसे महंगी गाड़ी भी सबसे सस्ती भी है। तो सब डिसाइड कर सकते हो। तो इस वीडियो ही तक, अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वो वैसे भी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कोई देगा नहीं इतनी शॉर्ट में।